पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक ऐसे संगीतकार की जिसमें हुनर तो भरपूर था, लेकिन खुशकिस्मती की हवा ने इसके घर का रुख ना किया। नाम अनवर सरदार मलिक, जिन्हें हम सिर्फ सरदार मलिक के नाम से ही जानते हैं। सॉन्ग नंबर वन, टेक वन। इनका जन्म हुआ 13 जनवरी साल 1925। फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम तो हुआ, पर वो बुलंदियां ना मिली जिनकी उम्मीद कर रहे थे। पर फिर भी इनके दिल की खलिश ने इन्हें दुखी ना किया। सरदार मलिक के करियर की शुरुआत हुई थी महान कलाकार उदय शंकर जी की कल्चरल एकेडमी से। यह एकेडमी उत्तराखंड के अल्मोड़ा इलाके में बसाई गई थी। सरदार मलिक का खर्चा उठाया था उस जमाने के कपूरथला के महाराजा ने। यह किस्सा भी मशहूर रहा कि एक बार सरदार मलिक महाराजा के घोड़े के आगे कूद पड़े और कहा कि मुझे पैसे चाहिए अपनी ट्रेनिंग के लिए। राजा को हैरानी तो हुई, लेकिन बाद में स्पॉन्सर कर भी दिया। तो हमें मंजूर है। यह बात कम लोग जानते हैं कि सरदार मलिक ने शुरुआती दौर में नृत्य सीखा उदय शंकर जी से और संगीत सीखा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से। कथकली में ये फर्स्ट आए थे और भरतनाट्यम में भी। इनके प्रशिक्षण के साथी रहे महान फिल्म मेकर गुरुदत्त और मोहन सहगल। गुरुदत्त और सरदार मलिक दरअसल रूममेट्स थे। गुरुदत्त शांत थे और सरदार मलिक मस्त मौला मलंग। महान कलाकार उदय शंकर ने एक भविष्यवाणी की कि गुरुदत्त जरूर फिल्मों में जाएगा। लेकिन सरदार मलिक जब बूढ़ा हो जाएगा तब ये नींद से जागेगा। सरदार मलिक ने पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों, तो जवाब मिला क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। इनका आलस्य दूर करने के लिए उदय शंकर इन्हें तरह तरह के काम देते। एक बार अकादमी में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो उदय शंकर ने कहा कि देखो सरदार, नेहरू जी के नहाने के लिए पानी का इंतजाम तुम करोगे, तो खबरदार जो तुम लेट हुए। तो इनका आलस दूर करने का ये भी एक नायाब तरीका ही था। ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि सरदार मलिक साहब और मोहन सहगल साहब ने बतौर डांसर्स अपने अपने करियर की शुरुआत की थी। मशहूर प्रोड्यूसर नाना भाई भट्ट ने इन्हें फिल्म 40 करोड़ के लिए साइन किया। तनख्वाह दी 3,000 रुपया। उस फिल्म में राधा का किरदार निभाने के लिए एक लड़की की आवश्यकता थी। उस लड़की को ढूंढा गया और पता चला कि प्रोड्यूसर्स में से किसी एक ने उस लड़की के साथ बदतमीजी की। अरे ओ मूसा, पिता ने 100 रुपये भेज दिया। और बाद में सरदार मलिक और मोहन सहगल पर भी इल्जाम लगा कि इन्होंने उस लड़की के साथ बदसलूकी की और फायदा उठाने की कोशिश की। इस इल्जाम से सरदार मलिक और मोहन सहगल बड़े आहत हुए। ये झूठा इल्जाम इन पे क्यों लगा ये सोचते रहे, और फिर इन दोनों ने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी जिंदगी में डांस डायरेक्शन नहीं करेंगे, और इस तरह से डांस से ये दूर हो गए। पर उदय शंकर जी के डांस ट्रूप में सरदार मलिक काम करते रहे। वहां पे डायरेक्टर रमेश सहगल से इनकी मुलाकात हुई। रमेश सहगल ने इनसे कहा कि तुम मेरी फिल्मों के लिए संगीत दो, और ये फौरन तैयार हो गए। फिल्म का नाम था रेणुका। ये बात भी हैरत में डाल देगी, एक फिल्म रही रैन बसेरा जिसका संगीत सरदार मलिक ने दिया था, और उसमें एक नया गायक और नई गायिका थी। गायिका का नाम बिनोता चक्रवर्ती और गायक राज खोसला। वही राज खोसला जिन्होंने आगे जाकर बड़ी जबरदस्त फिल्में बनाई। कुछ फिल्मों के लिए तो ये काम करते रहे, और इस बीच ये उदय शंकर जी से भी दूर हो गए, पर 7 साल तक ये बेरोजगार रहे। तो फिर देवानंद साहब की एक फिल्म इन्हें मिली। फिल्म का नाम था स्टेज, पर वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर आई खेत। ये इत्तेफाकन साहिर साहब की पहली फिल्म मानी गई, पर ये फिल्म कभी रिलीज ही ना हुई। सरदार मलिक की किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी। जिस फिल्म के लिए संगीत देते या तो वो फ्लॉप हो जाती या फिर रिलीज ही ना होती। इनकी शादी हो गई थी, 3 बच्चे हो चुके थे। इनके मन में आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन जब अपने बच्चों की तरफ इन्होंने देखा तो उस ख्याल को इन्होंने ख़त्म कर दिया। एक बार तो ये इतने डिप्रेस हो गए कि अपने सारे रिकॉर्ड्स ले गए और समंदर में फेंक दिए। इनके गाने ज़रूर मकबूल हो रहे थे, पर सफलता नहीं मिल रही थी। शमी कपूर की फिल्म ठोकर के लिए इन्होंने संगीत दिया। गाना ए गमे दिल क्या करूं जबरदस्त हिट हुआ। इसी बीच इन्हें मिली फिल्म सारंगा। फिल्म सारंगा के बावजूद सरदार मलिक की मुफलसी का दौर खत्म ना हुआ। लोग कहते कि तुम अपने फैन मेल्स के जवाब क्यों नहीं देते, तुम निष्ठुर हो, तुम आलसी हो। सरदार मलिक सोचते कि कैसे बताऊं कि मेरे पास स्टैंप और कागज खरीदने तक के पैसे नहीं है। इन्होंने गाने की कोशिश भी की, पर उसके बाद मोहम्मद रफी का जलवा इस तरह से चला, ये खुद ही प्लेबैक सिंगिंग से हट गए। सरदार मलिक ने तकरीबन
30 फिल्मों में संगीत दिया। ए ग्रेड, बी ग्रेड, हर तरह की फिल्म का ये संगीत देते रहे। बिना का गीत माला में भी इनके गाने खूब आगे बढ़ते, पर पैसा और सफलता फिर भी इनसे दूर रहती। इनके बड़े बेटे अनवर मलिक ने ठान लिया था कि आगे जाकर कुछ तो बड़ा करूंगा, पिताजी को बड़े बैनर्स नहीं मिले तो क्या हुआ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बैनर्स के साथ ही काम करूंगा। और ये काम अनवर मलिक ने कर दिखाया। ये वही हैं जिन्हें हम अनु मलिक के नाम से जानते हैं। नहीं, बहुत ही बड़ा मोमेंट है। सरदार मलिक की शादी हुई हसरत जयपुरी की बहन से। हसरत जयपुरी बतौर गीतकार बहुत मशहूर रहे, पर फिर भी इनके तीनों बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में ही आए, अनु मलिक, डब्बू मलिक और अबू मलिक। यकीनन भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर सरदार मलिक के नाम के बगैर अधूरा सा लगेगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।